हमारी युवा पीढ़ी जो पूरी तरह डिजिटल वर्ल्ड के साथ एक प्रकार से नेतृत्व कर रही है, उस समय डेटा प्रोटेक्शन बिल देश के हर नागरिक को एक नया विश्वास देने वाला बिल है और विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला बिल है। उसी प्रकार से नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये बिल एनआरएफ नई शिक्षा नीति के संदर्भ में एक बहुत बड़ा अहम कदम है और इसका उपयोग अनुसंधान को बल देना, इनोवेशन को बल देना, रिसर्च को बल देना और हमारी युवा पीढ़ी जो विश्व के अंदर नए उपक्रमों के द्वारा विश्व का नेतृत्व करने का सामर्थ्य रखती है, उनके लिए बड़ा अवसर देकर के आ रही है। जनविश्वास बिल सामान्य मानवीय के प्रति भरोसा करना, अनेक कानूनों को डिक्रिमिनलाइज करना, इस मुहिम को आगे बढ़ाने वाला ये बिल। उसी प्रकार से जो पुराने कानून है उनको खत्म करने के लिए भी एक बिल में प्रावधान किया जा रहा है। हमारे यहां सदियों से एक परंपरा रही है कि जब विवाद हो तो संवाद से सुलझाया जाए, मीडिएशन की परंपरा हमारे देश की बहुत सदियों पुरानी है, उसको अब कानूनी आधार देते हुए मीडिएशन बिल लाने की दिशा में इस सत्र का बहुत बड़ा उपयोग है, जो अनेक विवादों से सामान्य मानवीय से लेकर के असामान्य संजोगों को भी मिल बैठकर के सुलझाने का एक मजबूत नींव बनाएगा। इसी प्रकार से डेंटल मिशन को लेकर के एक बिल जो हमारे डेंटल कॉलेजेस के लेकर मेडिकल के छात्रों के लिए एक नई व्यवस्था को आकार देगा, ऐसे अनेक महत्वपूर्ण बिल इस बार इस सत्र में संसद में आ रहे हैं। तब ये जनहित के हैं, ये युवा हित के हैं, ये भारत के उज्जवल भविष्य के लिए हैं। मुझे विश्वास है कि सदन में गंभीरतापूर्वक इन बिलों पर चर्चा करके हम बहुत तेजी से राष्ट्रहित के महत्वपूर्ण कदमों को आगे बढ़ाएंगे।